महिला आरक्षण बिल पर पार्षद सरिता वर्मा ने अपने विचार पूरा टाइम के साथ साझा किया। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा है वो आम जनता की समस्याओं को लेकर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम किया। परंतु अभी हम विगत 4-5 साल से देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था और वर्तमान में कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल है उसमें काफ़ी आसमान का अंतर है। इसलिए जहाँ पर भी हम देखते हैं अत्याचार, बलात्कार, महिलाएं असुरक्षित नहीं है, अपहरण कांड और शराब घोटाला, चावल घोटाला और ऑनलाइन सट्टेबाजों का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश का नौयुवक नशापान में और सट्टेबाजों में अपनी भूमिका दर्शा रहे हैं। आखिर ये क्या विकास है कांग्रेस सरकार की, जो ये इस प्रकार की जो कारोबार है उससे मुक्ति दिलाने के लिए तो हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा और ये आम जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति के मृत्यु तक सारी योजनाएं अगर दी है तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दी है। और छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ और मेरे को 1 रुपये किलो में अगर चावल मिल रहा है तो मैं उसका सदुपयोग करूँ और मैं अपने परिवार को सुदृढ़ करूँ, आर्थिक रूप से मैं सक्षम बनूँ। क्योंकि कोई भी सरकार की जो योजना आती है वो गरीबी दर को ऊँचा उठाकर वो उसको सक्षमता बनाने के लिए आती है। जैसे पिछले साल कोरोना आया, कोरोना में सबने यह देख लिया कि अगर हम बचत की भावना नहीं रखेंगे तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, और एक चिड़िया जैसे तड़प तड़प के सारे लोग उसमें उसकी जान गई। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वास्तव में अगर ये गरीबों के पास पैसा रहता या गरीबों के पास ये रहता तो ये लोग अपना परिवार का जीवन यहाँ अच्छे से कर सकते। पर इन वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना में इतना साथ दिया, फ्री आप वैक्सीन, फ्री आप बेड की, फ्री आप रेमडेसिविर की व्यवस्था करवा कर तत्काल जरूरतमंद लोगों का जो बच सकता था उनकी जानें बचाई। तो आखिर ये कांग्रेस की सरकार के ही समय में ऐसा हुआ, आखिर ये लापरवाही क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री आवास का सपना नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, कांग्रेस की सरकार आते ही उसको बंद करा दी। भारतीय जनता पार्टी का के कार्यकर्ता और वरिष्ठ जन लगातार आंदोलन किए, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना प्रतिशत जमा किया और आज प्रधानमंत्री आवास बनना थोड़ा सा प्रारंभ हुआ है। परंतु हम उस गति में आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है। तो ये इतने प्रकार के घोटाले, इतने प्रकार का पीएससी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, चावल घोटाला, आखिर इसका परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम जनता की समस्याओं को घर घर जाके उनकी समस्याओं को लेकर ही हम उसको अपने मंच पे रखकर हम हमारे सरकार को बताते हैं कि हमको परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि हम इनकी आवाज़ों को नहीं उठाएंगे तो आखिर ये गरीब जनता को कुछ आता नहीं है। इनको तो अपनी रोजी मजदूरी और अपने परिवार का पालन पोषण और अपनी जीवन यापन करने से फुर्सत नहीं मिलता, आखिर इनकी आवाज़ों को हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी जो है हम आम जनता की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाई तो सौभाग्य योजना के तहत 7,78,000 परिवारों को बिजली पहुँचाई। उसी प्रकार से महिला स्व सहायता समूह का गठन कर महिला स्व सहायता समूहों को हमने रोजगार दिया था, परंतु जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने महिला स्व सहायता समूह के कार्यों को छीनकर निजी को दे दिया, निजी लोगों को दे दिया। आखिर ये क्या विकास है? तो विकास कहीं पर दिखता नहीं है। आज जनता दर दर भटक रही है और किसानों के संबंध में अगर सरकार यानी बोल रही है कि मैं विकास किया हूँ, मैं लोगों को बोनस दिया हूँ, मैं लोगों को बोनस देता रहूँगा, प्रति क्विंटल इतना दूंगा उतना दूंगा, तो आखिर किसान भी तो नाराज है, किसान भी नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किस दवाई से उनका बोनस आता है वो तो पहुँच जाता है, परंतु कांग्रेस की सरकार में ये सारी चीज अधूरेपन में है। तो इनकी परिवर्तन के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को अवगत करा रही है कि हम आपके साथ हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या समस्याएं हैं। राशन कार्ड का सत्यापन करवा रही है,
राशन कार्ड का केवाईसी कराने में लोगों को पसीना आ रहा है, कई दिन छुट्टी लेकर राशन दुकानों में लाइनें लगा रही है, तो आखिर ये उनके साथ छलावा नहीं है तो क्या है? तो ये सारे चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता को लेकर और हम लोग परिवर्तन यात्रा की रैली निकाले हैं। निश्चित रूप से अगले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता को ये मालूम है कि कौन सा सरकार हमारे लिए क्या करती है और कौन सा सरकार क्या नहीं करती। इसलिए वो भी अब समय का इंतजार कर रही है और समय के इंतजार के साथ साथ हमारी अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनेगी और कमल फूल का सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बनने से हमारी जनता राहत महसूस करेगी और आर्थिक संसाधन से लेके अपना विकास और सभी प्रकार का विकास स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे विकास कार्यों को अगर किया है तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी की देन है। आज महिला बिल पास हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही की देन है, क्योंकि तो आज उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, और सभी जानते हैं कि नारी जिस घर में शिक्षित है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होगा, जिस घर की नारी सक्षम है तो उनका पूरा परिवार सक्षम होगा। ये सारे चीजों को फार्मूला में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट की टीम ने महिला बिल लाया और महिला बिल को आज पूरी सर्वसम्मति से पास किया गया। इसका श्रेय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और G20 में भी हमारे सारे विकास के कार्यों के साथ हम सबका साथ और सबका विकास के साथ कार्य करने वाली सरकार इसको की है, उसमें भी हमें सफलता मिलेगी और हम सफल रास्ते की ओर जा रहे हैं। चाहे चंद्रयान हो, जिस भी आप मुद्दे को ले लो, 14 दल एक साथ हो गए थे, उसको भी हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर की समस्या, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर उन्होंने घेरा था सरकार को। क्या हुआ आखिर? उन सबको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे काम करते नहीं है, जनता का काम करते नहीं है। जनता का काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और हमारे नरेंद्र मोदी एक जनता का आज बूथ स्तर पे, हम लोग अपन भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं तो अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को फोन करके उन्हें जगाया जाता है कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखो, उनके साथ कोई समस्या तो नहीं है? ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिलेगा? हमारे देश को कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी एक एक व्यक्ति को जगाते हैं कि तुम केवल 2 घंटा सो, 4 घंटा काम करो। हम अपने बगल के लोगों को अगर आर्थिक रूप से समस्या से अगर उन्हें निपटाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास कार्यों में आगे बढ़ेगा और हमारा प्रदेश जो है अपने आप उस रास्ते में आगे आएगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो इन लोग छलावा देकर, कांग्रेस की सरकार ने छलावा देकर अपने चुनावी घोषणा पत्र में चुनावी घोषणा किए थे, आज कहाँ पूरा हुआ जनता सब जानती है। और इसी के कारण आज हम लोग परिवर्तन यात्रा की रैली में जनता को बता रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार अगले विधानसभा में बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं श्रीमती सरिता वर्मा, पार्षद महामाया मंदिर, वार्ड क्रमांक 65, नगर निगम रायपुर, एवं निर्वाचित अपील समिति की सदस्य, नगर निगम रायपुर।